हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। टेरेन क्लासेस की तरफ से इम्पॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स आपके लिए आए हैं जो हमारे क्लासेस के स्टूडेंट के लिए हैं। चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे आप एसएससी बोर्ड में हो, आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं और एग्ज़ामों में जो एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं आजकल वो थ्योरी से बनने लगे हैं मैथ की। तो मैं कुछ पॉइंट लेके आया हूँ इस पार्ट वन वीडियो में, जिसे आप ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आपको नंबर कुछ लिखे हुए हैं 1 2 3 4 दैट दस, इसका मतलब है इन्फिनाइट, जिसे हम काउंट ना कर सकें। एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर, यानी वन से लेकर इन्फिनाइट तक के जो भी नंबर होते हैं उन्हें हम या तो नेचुरल नंबर कहते हैं या उन्हें हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। इसी में क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है कि वन कैसा नंबर है, स्मॉलेस्ट है कि आपका होल नंबर है। तो वन की स्टार्टिंग की गई है, वन से स्टार्टिंग की गई, तो इसलिए नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वन। फिर आपके एक सीरीज लिखी हुई है 0 1 2 3 डैट डैश एंड सो ऑन आर कॉल्ड होल नंबर। जो नंबर सीरीज जीरो से स्टार्ट होती है और इन्फिनाइट तक जाती है उसे हम होल नंबर बोलते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो जीरो है, क्योंकि सीरीज जीरो से स्टार्ट हुई है, इसलिए स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, जीरो। अब लोग बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन में हमें अगर ये एक आप देख रहे हैं लाइन ड्रा है, नंबर लाइन में हमें कुछ नंबर जैसे दे दिए जाए 1 2 3 4, तो हम कैसे शो करेंगे। हमने यहाँ लिखा 1, इसमें हमने लिखा 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4 डैश डैश डैश। यानी किसी भी लाइन में हम नंबरों को इस प्रकार शो कर सकते हैं, उनके बीच की गैपिंग बराबर होनी चाहिए। फिर आप देख रहे हैं डिवीजन बाय इटसेल्फ, ए में ए को डिवाइड किया गया 1 आया, यानी 5 में 5 को आप डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा, और 20 में आप 20 डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि डिवीजन बाय इटसेल्फ का मतलब होता है सेम डिजिट का सेम डिजिट से डिवाइड करें, डिजिट वो 2 डिजिट हो, 4 डिजिट की हो या 3 डिजिट हो, भले ही 1 डिजिट हो तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इस बात को आपको बहुत दिमाग में रखना पड़ेगा। डिवीजन बाय 1 की बात करें, अगर हम किसी डिजिट में 1 का डिवाइड करते हैं तो वो डिजिट आएगी, जैसे कि यहाँ पर ए में 1 का डिवाइड किया गया तो क्या ए आया। अगर हम डिवीजन बाय 0 लें, किसी भी डिजिट का 0 डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ये हमारा मैथ का रूल है, मैथ में ये बताया गया है हमारे गणितज्ञों द्वारा, मैथमेटिशियनों द्वारा, जिसे हम यूज कर रहे हैं। अगर हम डिवीजन बाय 0 को लें तो अगर 0 का हम किसी डिजिट में डिवाइड करें तो वहाँ हमारा क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा, यहाँ पर बाई की जगह आपका ऑफ होगा, ऑफ। आगे चलते हम लोग, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर्स, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स। इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या है कि द कलेक्शन ऑफ होल नंबर या फिर निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स भी दो प्रकार के हैं, दो टाइप हैं, पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर। यह आपका पॉजिटिव इंटीजर है, जो आप 1 2 3 आप देख रहे हैं, इसे हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। जिस नंबर में या जिस डिजिट में कोई साइन ना अप्लाई हो तो वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर। ये आपकी सीरीज क्या, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जो आपकी सीरीज है जिसमें माइनस लगा है, ये आपकी निगेटिव इंटीजर है। ये क्वेश्चन आपकी कैसी है, निगेटिव इंटीजर है। इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, जीरो, जीरो ना ही निगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। हम लोग अपोजिट इंटीजर्स की बात करें, माइनस 11 है तो इसका अपोजिट प्लस 11 हो जाएगा, प्लस 200 है इसका अपोजिट माइनस का 200 हो जाएगा, ये हो गया अपोजिट इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू डिनोटेड, एब्सोल्यूट वैल्यू को वर्टिकल बार से शो करते हैं, वर्टिकल बार। एडिटिव इन्वर्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे डिजिट आपको दी -4 28, तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 4 28।
डिजिट आपको दी है 369 प्लस में है, तो इसे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 369 एडिटिव इनवर्स होगी। अब अगर हम लोग बात करें इफ द गिवन नंबर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर देन देयर एससीएफ, अगर आपको कुछ नंबर दिए जाएं इसमें एससीएफ आप फाइंड करें लेकिन कॉमन कुछ ना हो, तो वहाँ की पर आंसर क्या होगा, वन होगा। क्या होगा, वन होगा। फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड इज आल्सो नोन, लॉन्ग डिवीजन मेथड का दूसरा नाम क्या, यूडिड एल्गोरिथम, जो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। फ्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स ए पार्ट आर ए पार्ट ऑफ होल, जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी फ्रैक्शन को हम ए पार्ट या पार्ट ऑफ ए होल से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन इनटू इट्स रेसिप्रोकल, अगर कोई फ्रैक्शन है उसका आप रेसिप्रोकल कर दें तो वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। मान लीजिए आपका फ्रैक्शन दे दिया 2/3, आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 हो गया, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आई, वन आई। डेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, डेसिमल में दो पार्ट्स होते हैं, एक है होल नंबर पार्ट, दूसरा आपका डेसिमल पार्ट है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इसी में आपको दूसरा पार्ट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।